Hi everyone, assalamu alaikum. I'm Abdul Basit, your English language coach. Welcome back to the new lesson. Previous videos आप लोगों ने देखी होंगी and I hope you liked them. हमने उसमें greetings के हवाले से पढ़ा. आज का हमारा lesson बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. Today we are going to talk about weather. जी हाँ, मौसम के बारे में हम बात करना चाहते हैं. दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने previous video में देखा, जब आप किसी इंसान के बारे में पूछना चाहते हो तो आप कहते हो how are you? ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करना चाहें मौसम की, जब हम किसी से पूछना चाहें कि भाई मौसम कैसा है. अब देखो, ये सवाल नॉर्मली किस जगह पे आप कर सकते हो. आपने किसी को कॉल की, आप यहाँ कराची में बैठे हो और आपका दोस्त लाहौर में, आपने उसको फ़ोन किया और आप उससे वहाँ का मौसम पूछ रहे हो. या फिर आप कहीं काम करते हो और ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पर बिल्कुल बंद इन्वायरमेंट है, AC लगे हुए, सब कुछ है, बाहर की आपको कोई ख़बर ही नहीं है. भाई बाहर से कोई बंदा आता है, आप उससे पूछते हो यार मौसम कैसा है बाहर. तो ऐसी सिचुएशन में आप मौसम के हवाले से जब पूछना चाहते हो तो आप सवाल करते हो हाउ इज़ द वेदर. हाउ इज़ द वेदर, अगर आप हाउ और इसको मिला दो तो ये बन जाएगा हाउस. तो आप बोलोगे हाउस द वेदर. इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो व्हाट इज़ द वेदर, और व्हाट और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा व्हाट्स. व्हाट्स द वेदर, हाउस द वेदर और व्हाट्स द वेदर. यानी कि आप पूछ रहे हो कि भाई मौसम कैसा है. अब देखो दोस्तों, मौसम जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार चेंज होती रहती है ना भाई. कभी मौसम कई किस तरह का होता है, कभी मौसम अचानक चेंज हो जाता है. जैसे आप अगर इफ़ यू आर लिविंग इन कराची तो आप लोगों ने देखा होगा अभी कितनी गर्मी थी और अभी देखें मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बड़ा खुशगवार हो गया. तो इस तरीके से जो मौसम होता है ना वो बड़ा चेंज होता रहता है. ठीक है, तो एक इसी से रिलेटेड मुझे एक idiom भी याद आ गया, वो भी बता देता हूँ. कीप अ weather eye ऑन someone और समथिंग. कीप अ weather eye ऑन someone और समथिंग, इसका मतलब होता है किसी पर कड़ी नज़र रखना, कड़ी निगाह रखना. इसको बेसिकली बनाने का मकसद क्या है कि मौसम पे भी जो वेदर को फोरकास्ट करने वाले लोग होते हैं या उसके हालात बताने वाले लोग होते हैं, वो मौसम पे बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं क्योंकि वेदर बार बार चेंज होता रहता है. तो व्हेन यू कीप अ वेदर आई ऑन समवन और समथिंग, इसका माना कि आप उस पर कड़ी नज़र रख रहे हो. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कीप एन ईगल्स आई है ना. तो कीप अ वेदर आई ऑन समवन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट माई परमिशन. I'm keeping a weather eye on you. यानी कि तुम मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते, मेरी तुम पर बहुत गहरी नज़र है भाई. तो keep a weather eye on someone or something. I hope आपको ये समझ आया होगा. चले आगे बढ़ते हैं. तो अब मैंने किसी से पूछा भाई how's the weather, मौसम कैसा है. तो अब वो अलग अलग जवाब दे सकता है और वो मौसम के हाल अहवाल हमें बता सकता है. चलें ज़रा शुरू करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी देखें मौसम देख रहे हैं तो आपको मेरे बाल उड़ते हुए शायद नज़र आ रहे हो. तो ऐसे मौसम को हम कहते हैं इट्स विंडी. इट्स विंडी मतलब जब हवा बहुत चल रही हो तो आप बोलते हो इट्स विंडी. ठीक है, अगर आप आसमान पे देखते हो और आसमान पे आपको बादल नज़र आते हैं तो आप कहते हो वाओ इट्स क्लाउडी. इट्स क्लाउडी. और अगर यही आसमान पे बादल आपको अलग अलग टुकड़ों में नज़र आ रहे हैं तो आप कहते हो इट्स पार्टली क्लाउडी. या इट्स पार्टली क्लाउडी. इट्स क्लाउडी. इट्स पार्टली क्लाउडी, यानी कि जब आप जवाब दोगे हाउस द वेदर तो आपने बोलना है इट इज, इट्स, और आगे वो जवाब लगा देना है. सो इट्स विंडी, इट्स क्लाउडी, इट्स पार्टली क्लाउडी. अब सपोज कर लो दोस्तों कि हवा के साथ अब बादल ही बादल भर गया भाई, तो मौसम हो गया क्लाउडी. अब जैसी मौसम क्लाउडी हुआ और माहौल बड़ा अच्छा हुआ, काले बादल आ गए, तो भाई स्टार्ट हो गए बूंदाबांदी. तो जब आपने बूंदाबांदी देखी तो आपने कहा वाओ इट्स ड्रिजली. इट्स ड्रिजली. या फिर आप इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो, इट्स ड्रिजलिंग. इट्स ड्रिजलिंग यानी कि वाओ इट्स ड्रिजलिंग. ओए होए बूंदाबांदी हो रही है. बहुत से लोगों को बारिश पसंद होती है. अब वही अगर तेज हो जाए तो आप बोलोगे इट्स रेनिंग. इट्स रेनिंग. या फिर आप बोल सकते हो इट्स रेनी. इट्स रेनी. अब वही बारिश बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाए तब आप बोलोगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ओ भाई कुत्ते बिल्ली नहीं बरस रहे. दैट मीन्स
बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है भाई, अब बारिश में तूफान भी मिक्स हो गया, आंधी भी मिक्स हो गई, हवाएं तेज हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है. अब आप बोलोगे इट्स स्टॉर्मी, इट्स स्टॉर्मी, STO, स्टॉर्मी. अच्छा दोस्तों, नॉर्मली आपने देखा होगा अगर रात में बारिश होती है तो बिजली भी नजर आती है, बिजली चमक रही है, तब आप बोलते हो इट्स थंडरिंग, इट्स थंडरिंग, थंडर, थंडरिंग, इट्स थंडरिंग, यानी कि भाई बिजली चमक रही है यार, इट्स थंडरिंग. बारिश हो गई, तूफान आ गया, सब कुछ हो गया, मौसम हो गया भाई क्लियर, बादल साफ हैं, आप बोलोगे इट्स क्लियर. लेकिन तूफान आने के बाद हर जगह क्या हो जाती है भाई, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, सारा मामला ख़राब हो जाता है, तो आप कहोगे इट्स डस्टी, इट्स डस्टी. ठीक है भाई, मौसम साफ है, इट्स क्लियर. अगला दिन आया भाई, सूरज निकल गया, आप बोलोगे इट्स सनी, इट्स सनी. लेकिन उसी सूरज को गुस्सा आ गया, इधर रात तुम्हारी, अब वो हो गया इट्स हॉट, यानी कि मौसम बहुत गर्मी है यार, इट्स हॉट. और अगर वही गर्मी खतरनाक गर्मी हो जाए तब आप बोलोगे इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, बहुत गर्मी है. आई एम स्वेरिंग, मतलब मुझे पसीने आ रहे हैं, आई एम स्वेरिंग, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट. और फिर गर्मी में एक मौसम ऐसा भी आता है, एक माहौल ऐसा भी आता है कि भाई हवा चलना बंद हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है आपको, तो आप कहते हो इट्स सफोकेटेड, इट्स सफोकेटेड. सफोकेटेड का मतलब होता है हब्स होता है ना, हवा नहीं चल रही, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड सफोकेटेड, इट्स सो सफोकेटेड हियर, यानी कि यहाँ बड़ी सफोकेशन है, बहुत दम घुट रहा है मेरा, इट्स सफोकेटेड. ठीक है भाई, इसी तरीके से आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा. अब मौसम ठंडा हो गया, अब जब मौसम ठंडा हुआ तो आप बोलोगे भाई इट्स कोल्ड, या इट्स कोल्ड आउटसाइड, यानी कि बाहर जो है वो सर्दी है. यही सर्दी अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आप बोलोगे इट्स फ्रीजी, इट्स फ्रीजी, इट्स फ्रीजी का माना होता है कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, जमा देने वाली. आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग का मतलब होता है भाई मैं कपकपा रहा हूँ भाई, यानी कि बहुत सर्दी लग रही है आपको, आई एम शिवरिंग. नॉर्मली आप देखते होंगे बच्चे वगैरह वो बहुत जल्दी जल्दी कपकपाने लगे, आई एम शिवरिंग, यानी कि मैं कपकपा रहा हूँ सर्दी की वजह से. ठीक है भाई, तो आई एम शिवरिंग. और अगर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वैसे नॉर्मली कराची में ये देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि भाई वो वहाँ पर बर्फ भी गिरती है, तो आप बोलोगे इट्स स्नोई, इट्स स्नोई, स्नोई, स्नोई मतलब बर्फबारी हो रही है भाई. ठीक है, और नॉर्मली यहाँ पे आपको सर्दियों में क्या होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, यू गो टू द ऑफिस, तो आप देखते हो सुबह सुबह धुंध छाई हुई होती है, आपकी विजिबिलिटी बड़ी कम हुई हुई होती है, तो ऐसे मौसम को हम कहते हैं इट्स फॉगी, इट्स फॉगी. ये ऑगी नहीं है भाई, ये कार्टून देखने वाले बच्चों को ऑगी याद आ रहा होगा, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, दैट्स नॉट दैट. फॉगी यानी कि धुंध वाला मौसम हो रहा है भाई, नज़र नहीं आ रही जो है ना वो चीज़ है, तो इट्स फॉगी, इट्स स्नोई. तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का लेसन पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दैट डू सब्सक्राइब अस, शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आस्क देम टू सब्सक्राइब अस टू. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.